एक परिवार ने अपना बेटा देश के नाम कर दिया और उस बेटे ने अपने प्राण जो है वो देश के लिए न्योछावर कर दिए, लेकिन उसके बाद सत्ता के लोभी, सत्ता के लालची नेताओं की एक हठधर्मिता देखिएगा कि वोटों के समय में जो लगातार एक एक घर में तीन तीन बार चक्कर काटते हुए दिखाई दे रहे थे, जीतने के बाद या हारने के बाद कोई भी नेता जो है वो हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, ना सत्ताधारी पार्टी का ना विपक्षी पार्टी का। अगर यहाँ पर किसी नेता का कार्यक्रम होता तो बड़ी बड़ी चमचियां लेकर के नेता जो है वो कुर्सियां उठाने, दरी उठाते हुए हमें दिखाई जरूर पड़ते, लेकिन यहाँ पे बात थी तो एक शहीद के सम्मान की, एक शहीद को श्रद्धांजलि देने की, तो वो समय शायद इन नेताओं के पास नहीं दिखाई दिया है। इसके अलावा अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन से केवल तीन अधिकारी जो है वो यहाँ पे बताए जा रहे हैं, DSP साहब, BDPO साहब और नायब तहसीलदार साहब। उसके अलावा उच्च अधिकारियों की अगर बात करें तो ना तो SP साहब यहाँ पे दिखाई दिए, ना DC साहब यहाँ पे दिखाई दिए। अगर किसी नेता की जनसभा होती तो वो तमाम अधिकारी भी नेताओं के आगे हाजिरी लगाते हुए, सलामी देते हुए उनको दिखाई देते, लेकिन यहाँ पे बात थी तो एक शहीद के सम्मान की, शहीद को श्रद्धांजलि देने की, तो यहाँ पे अधिकारी भी जो है वो यहाँ पे नहीं पहुँच पाए हैं। ऐसे में सीधा सीधा आरोप परिवार के लोगों ने भी लगाया है कि अगर यहाँ पे कोई और कार्यक्रम होता तो तमाम लोग जो है वो यहाँ पे आ जाते, लेकिन एक शहीद की शहादत के समय में जो है वो इन तमाम लोगों को इतना सा भी समय नहीं है कि गाँव में आ करके एक 3 साल की बेटी जिसने अपना बाप खो दिया है, एक 28 साल की वो महिला जिसने अपना पति खो दिया है, और एक 50-55 वर्ष का वो बुजुर्ग बाप जिसने अपना बेटा खो दिया है, उसकी माँ जिसने अपना बेटा खो दिया और उसके भाई बहन जिन्होंने अपना भाई खो दिया है, उनको आकर के एक सांत्वना तक दे सके, नहीं। ऐसा जो है वो हमारे यहाँ पे प्रशासन का ढुलमुल रवैया और परिवार के लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया है कि यहाँ पे शहीद का अपमान जो है वो बड़े ही चाव से जो है वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या हमारे देश के बेटे, हमारे गांव के बेटे, देहात से उठ करके जाने वाले बेटे इस सोच को लेकर के जाते हैं कि उनकी शहादत पर उनको इस तरह से जलील होना पड़े? ये प्रशासन को और उन तमाम नेताओं को जो है वो सोचना चाहिए और बड़ा विषय है। आने वाले समय में जब ये नेता आपके पास आए तो उनसे पूछिए कि कितने शहीदों की शहादत पे आप जो है वो उनके अंतिम संस्कार में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए गए हैं। तो जब आप सवाल करना शुरू करेंगे तो इन नेताओं को भी अकल आएगी और इन अधिकारियों को भी अकल आएगी। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी बिट्टू मायल के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा। सिरसा का एकमात्र रेजिडेंशियल व डे बोर्डिंग स्कूल, जहां पर आपके बच्चे की शिक्षा, खेल एवं कंपटीशन की तैयारी एक साथ हो रही है। कक्षा 3 से हॉस्टल शुरू, कानपुर, दिल्ली, सीकर व साउथ इंडिया से स्टाफ, कर्नल VH सिसोदिया व सूबेदार AIG लालचंद पारी के मार्गदर्शन में बच्चों की 9वीं से ही कैरियर काउंसलिंग करके उन्हें उच्च दर्जे की डिफेंस की तैयारी करवाई जाती है। इस साल 23 बच्चों ने आर्मी की भर्ती पास की। एड्रेस ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल एवं डिफेंस व स्पोर्ट्स अकेडमी, 9992571111, 8929555111।